अब लाइन में तो लगी रहे भैया। कितनी देर हो गई अंकल जी आपको ये लाइन लगी हुई? आधा घंटा करीब। आधा घंटा अभी तक ये लाइन कम से कम 30 फुट तक लगी हुई है। क्या आपको विश्वास है कि आपका नंबर आ जाएगा? अभी ये कोई बर्बादाश्त नहीं है। कहाँ से आए हो आप? यहाँ महेश नगर से। महेश नगर से आए? मगर सुबह से लगे हुए हैं हम। सुबह से लगे हुए हैं। बिखर गई हमारी लाइन, फिर दोबारा गाड़ी आई है ना जब आए हम यहाँ। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ से कई बार लाइन बिखर चुकी है हिंसा के कारण, फिर भी वापस लाइन लगे। अभी आधा घंटा इस लाइन ये काला दुखी हो गया हम, बहुत दुखी हो गए थे। 9:30 बजे खड़े हैं यहाँ पे, 9:30 बजे खड़े हैं यहाँ पर। अब तक यहाँ पर अब आया है और कोई बहुत व्यवस्था हुई, अहर व्यवस्था हुई, मतलब चिलचिलाती धूप में खड़े स्टूडेंट, बहुत परेशानी हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। आप अपनी छत खड़ी है? बड़े बजे खड़े बेचारे सुबह से ही, ऐसा थोड़ी होता है सरकार को। पुलिस वाले अपने आप आए पुलिस के आने के बाद भी पब्लिक को वो नहीं है, ये स्थिति है यहाँ की। ये नहीं कि अगर एक जेंट्स एक लेडीज को खरीदे तो तकलीफ आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो बेचने वाले वो कुछ घुसपैठ कर रहे हैं या पब्लिक ही ये माहौल बना रखी है? घुसपैठ का तो पता नहीं, कर भी नहीं कर भी हम नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, पब्लिक भी माहौल खराब कर रखी है? पब्लिक नहीं, थोड़ा सा बस ये कर रखा है, सरकार ने बढ़िया सुविधा करी है लेकिन पब्लिक ने सुविधा खराब कर रखी है। लाइन में लगे हुए हम बहुत मिले यहाँ से, मैंने यही लाइन भी लगवा दी लोगों की, उसके बाद भी ये भगा नहीं लगा। तो बात करो इससे, हेलो गिराएगा, हम किसी के नहीं जानते हैं। हेलो, बात करें।